हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र यादव। टुडे हम एक केस, एक लेडी का केस करेंगे। ये लेडी को जो कंप्लेन है, सो ये लेडी अराउंड 37-38 इयर्स की लेडी है। एक मेरे पेशेंट ने इसको मेरे पास रेफर किया। ये लेडी, इसको कंप्लेन था कि पिछले 4 साल से उसको स्टमक में पेन होता है, और पेन वॉज क्रैम्पिंग पेन, मतलब उसको कंटिन्यू पूरा दिन वो दर्द रहता है, मतलब और मतलब जब वो काम करके जब वो बैठती है, रिलैक्स रहती है, तब वो पेन बहुत ज़्यादा होता है और अनबेरेबल पेन होता है उसको, रह रह के कॉलिक बोलते हैं ना, कॉलिक पेन, मतलब कभी दर्द एकदम कम, कभी एकदम ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे ऑन ऑफ उसको कंप्लेन है। सो उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे उसने रिपोर्ट्स कराए, रिपोर्ट्स वर टोटली नॉर्मल, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। और कम से कम उसने हॉस्पिटल्स में बहुत सारे एलोपैथी, आयुर्वेदिक सारी मेडिसिंस करके, और एलोपैथी तो उन्होंने काफ़ी किया, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनके पास बहुत बड़ा सा फाइल हो गया था, एकदम गट्ठा, उसमें सारे रिपोर्ट्स थे, हर एक किस्म के उन्होंने रिपोर्ट निकाल लिए थे, बट रिपोर्ट्स वर टोटली नॉर्मल, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट्स वर टोटली फाइन, फिर भी उसको दर्द करता था, कॉन्स्टेंटली उसको पेन होता था। सो ये लेडी मेरे क्लिनिक में आई, एंड जस्ट आई वॉज सिटिंग इन क्लिनिक, सो पेशेंट लेडी अंदर आई, इतना बड़ा फाइल, पूरा बंच ऑफ फाइल का वो लेके आई, एंड उसने तुरंत लाया, और उसने लाते ही मेरे टेबल पे ऐसे ज़ोर से रख दिया, एकदम सडनली उसने रख दिया, ठीक है, और खड़े होते ही उसने बताना चालू कर दिया, तुरंत उसने अपने कंप्लेन बताना चालू कर दिया कि लाइक देख, ये देखिए डॉक्टर साहब, उठा के मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे रह रह के हमेशा दर्द बना रहता है, मुझे हमेशा इस पोजीशन पे दर्द बना रहता है, खड़े खड़े, मतलब इवन उसने वो बैठने की भी वो नहीं किया, और उसने आते ही फाइल रख दिया सर, ज़ोर से फाइल रखा मेरे टेबल पे, और उसने अपने ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करते उसने दिखाना चालू किया कि मुझे डॉक्टर साहब यहाँ दर्द होता है, मुझे यहाँ हमेशा दर्द बना रहता है, मुझे हमेशा रह रह के दर्द होता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है दर्द में। सो मैंने बोला ठीक है, आप बैठ जाइए, ठीक है। सो पेशेंट, फिर उसके बाद पेशेंट बैठा, ठीक है। सो मैंने बोला कि ठीक है, ये कब से चल रहा है? बोले डॉक्टर साहब, मैं इस दर्द को लेके तो मैं इतने डॉक्टर कर चुकी हूँ, मैं तो थक गई थी, मतलब मैं तो ऐसा हो गया कि मैं टोटली निराश हो गई हूँ कि ये दर्द ठीक भी होगा कि नहीं, मतलब मेरे मन में ऐसा है, ठीक है, कि ये ठीक भी होगा कि नहीं। सो मुझे आपके एक पेशेंट ने, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप उनका दवा कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करके फिर मैं आपके पास आई, मतलब मैं इतने डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मैंने इतने सारे रिपोर्ट, जो भी डॉक्टर ने बोला सारे रिपोर्ट्स कर चुकी हूँ, बट सब रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आते, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, पर मुझे दर्द बहुत होता है डॉक्टर साहब, और दर्द इतना होता है ना कि मैं कभी तो, दर्द तो पहली बात तो मेरा जाता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, दर्द हमेशा पूरा दिन बना रहता है, और फिर कभी कभी अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट, बहुत एकदम घबराहट अंदर से लगती दर्द को लेके, पूरा पूरा पसीना पसीना आ जाता है, इतना दर्द होता है, मैं बैठ जाती हूँ एक जगह पे। मैंने बोला ठीक है, मेरा कि और क्या होता है? बस डॉक्टर साहब यही, बस मेरी मेन दिक्कत तो मेरा ये दर्द है, ये दर्द से ही तो मैं परेशान हूँ, पिछले 4-5 सालों से मैं बस डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर घूम रही हूँ, सारी रिपोर्ट्स करा दी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एसिडिटी है, आपको गैस है, गोली देते हैं, पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 सालों से ये दर्द को झेल रही हूँ, 4 सालों से ये दर्द दर्द से मैं परेशान हूँ, ये दर्द मुझे कंटिन्यू बना रहता है, मुझसे मतलब घर का काम भी, मैं फिर ऐसा होता है कि जब दर्द थोड़ा कम होता है तो घर का काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी दवा करा करा के थक चुके, मतलब इतना दर्द होता है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। ये बोलते बोलते पेशेंट रोने लगा, तो मैंने बोला रोना क्यों आ रहा है? बोले डॉक्टर साहब, मैं इतने डॉक्टर कर चुकी हूँ, मैं इतना इतने सारे को दिखा चुकी हूँ, बड़ी मेरा दर्द नहीं जा रहा है, ये दर्द हमेशा बना रहता है, दर्द होता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरे को बहुत घबराहट होने लगती है, मेरे को बहुत बेचैनी होती है, मैं रोने लगती हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से फिर मैं रोने लगती हूँ कि दर्द की वजह से, कि दर्द इतना होता है, मेरे हस्बैंड देख नहीं पाते, मेरे हस्बैंड को काम करना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब और इससे और क्या दिक्कत होती है? बोले सर मुझे यही दिक्कत होती है, पर वो दर्द की वजह से मुझे ज़्यादा करके घबराहट और बेचैनी बहुत रहती है, उसमें मुझे बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट, ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा मेरे साथ, क्या हो जाएगा, बहुत इतना घबराहट होने लगती है मुझे। तो मैंने बोला कि क्या हो जाएगा, मतलब उस समय क्या दिमाग में क्या विचार चलता है आपके, क्या सोचते हो जब ऐसा दर्द उठता है और घबराहट होती है, तो आप क्या सोचते हो उसको लेके, अपनी इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हो?
देन पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब वो जब दर्द हो जब बहुत दर्द बढ़ जाता है ना तो मुझे बस ऐसा लगता है कि बस अभी मैं मर जाऊँगी, अभी मैं मरने वाली हूँ, बस मेरी अभी जान निकल जाएगी, अभी मेरी जान निकलने वाली है, बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई बस आके मुझे बचा ले, बस कोई तो भी मुझे कोई तो मेरे पास आ जाए और मुझे इस दर्द से निकाल ले, मुझे बचा ले। मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मेरे को इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है कि लगता है कि मैं अभी मर जाऊँगी, मैं अभी मरने वाली हूँ, बस मेरी यही इच्छा होती है कि उस समय की लगता है कि कोई आके बस मेरे को बचा ले इस दर्द से, मेरे को इस दर्द से इस मरने से बचा ले, मुझे ऐसा घबराहट होता है। सो मैंने बोला ठीक है और क्या सोचते हैं? बोले डॉक्टर साहब बस यही है, आप बस ये दर्द मिटा दो। मैं इतने लंबे से एक आशा लेके आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीद से, और उन्होंने बताया कि आपके पास जाइए आप ठीक हो जाओगे। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, बहुत एक आशा के साथ आई हूँ, बस आप ये दर्द ठीक कर दो। सो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आप दवा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे, मुझे आप बताइए एक महीने में कैसा दर्द रहा, मतलब एक महीने के बाद। एंड पेशेंट वॉज बहुत लंबे से आया था तो मुझे 7 दिन या 15 दिन का दवा देने का कोई ये नहीं था, मैंने उनको मंथ का दवा दिया एंड मैं श्योर था मेडिसिन पे, सो मैंने उनको मंथली बताया कि मेरा मंथली में फॉलोअप दीजिए। सो पेशेंट को मैंने 200 का डोज दिया, 3 डोज दिए 15-15 मिनट्स में, एंड मैंने बोला कि एक महीने के बाद फॉलोअप दीजिए। सैन एक महीने के बाद पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर उसने बताया कि डॉक्टर साहब वो जो दर्द था ना वैसा, मतलब जो जितनी इंटेंसिटी से दर्द था वैसा दर्द तो मुझे हुआ ही नहीं, जो मेरा पेट भी, उसको कॉन्स्टिपेशन का भी तकलीफ था, तो बोले वो दवा लेने के बाद से मेरा पेट भी बहुत अच्छा साफ हो रहा है और वो जो दर्द एक महीने में मुझे इतना जो घबराहट बेचैनी जो इतना सीवियरिटी था वो काफ़ी कम हो गया, उतना दर्द मुझे एक महीने में नहीं हुआ। देन सेकेंड मंथ में उसको वापस से सेकेंड मंथ का मेडिसिन दिया, पेशेंट 2 महीने के बाद आया मच बेटर, पेशेंट पेन वॉज टोटली 60% 70% पेन बेटर हुआ था, ऑन ऑफ बीच में उसको पेन आता था। पेशेंट 4 मंथ रहा, 4 मंथ के बाद एकदम बेटर, पेशेंट को पेन एकदम नहीं, एब्सोल्युटली शी इज़ फाइन। देन उसके बाद उसकी मेडिसिन 6 मंथ चली मेरे पास, 6 से 7 महीने के बाद मैंने मेडिसिन को स्टॉप कर दिया, पेशेंट का जो इतने सालों का 4 सालों का 5 सालों का तकलीफ था वो पूरा का पूरा निकल गया, क्योंकि हमें उसके बाद मैंने उसको बीच में रिपीटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको सिर्फ लैकेसिस 200 के मैंने 3 डोज दिए थे, मैंने इसको लैकेसिस 200 के 3 डोज देने के बाद उसको 6 मंथ के बाद उसको रिपीटेशन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका पेन डिसअपियर होता रहा और 6 महीने या 7 महीने में वो पूरा ठीक हो गए। अब आप देखेंगे इस लेडी को, इस लेडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने बोला ना पेशेंट आते ही आपको केस टेकिंग आपको देना चालू कर देता है, पेशेंट की मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट हमेशा आते ही अपने तकलीफ के बारे में बताना चालू कर देता है कि हमें बस ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट कर क्या रहा है। तो इस केस में पेशेंट ने क्या किया, आते ही क्या किया उसने, आते ही एक मोटा सा फाइल लाया और उसने आ, 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 उसने तुरंत लाके मेरे टेबल पे पटक दिया, ठीक है, और पटकते ही उसने क्या किया, उसने अपने लोकेशन को दिखाना चालू कर दिया, डॉक्टर साहब देखो मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, मैं यहाँ दर्द होता है, मुझे रह रह के दर्द होता है, ये सब क्या है। फर्स्ट रूब्रिक मैंने जो सोचा, उसने बैठने को भी नहीं सोचा, उसने आते ही अपने कंप्लेन को चालू कर दिया फाइल रखते ही, तो ये क्या है, दिस इज़ एब्रप्टनेस, ये एब्रप्ट है। एब्रप्ट क्या होता है कि सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, प्री वार्निंग होता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करेंगे, सडनली कोई पेशेंट ऐसा कुछ कर देता है सडनली एब्रप्टली, ठीक है, सडनली एब्रप्टली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था ना कि पेशेंट आके ऐसा फाइल पटकेगा, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, जो पेशेंट आके सडनली अपना आके कंप्लेन चालू कर देते ना, वहाँ हमें ये अब्रप्ट के बारे में सोचना है। पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट आता है, बैठता है, अपना नाम बताता है, ठीक है, तो हम पूछते हैं उनका नाम पूछते हैं, तो पेशेंट एक पेशेंटली हम सिस्टमेटिकली एक बाउंड हुआ है कि ऐसा ऐसा हमें क्लिनिक में जाना है ऐसा ऐसा, बट कुछ पेशेंट क्या करते हैं, आते ही बैठने से पहले डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे ये तकलीफ होती है, ऐसा ऐसा होता है, मतलब नाम भी नहीं बताया तुरंत चालू हो जाता है। तो ये रूब्रिक हम यहाँ यूज़ करते हैं, एब्रप्ट मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड प्री वार्निंग, आप तैयार नहीं होते उस चीज़ के लिए और आपके सामने सडनली हो जाती है, फिर ऐसे पर्सन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अभी कुछ है सडनली कुछ चेंज हो जाते हैं तो प्रिडिक्टेबल नहीं होते ऐसे पर्सन, तो ये होता है सडन एब्रप्टनेस प्री वार्निंग, ठीक है, प्री वार्निंग के साथ आते हैं, ये होता है एब्रप्टनेस। तो ये लेडी ने क्या किया, फाइल तुरंत पटक दिया मेरे टेबल पे और आते ही अपने लोकेशन को यानी कम्युनिकेट करना चालू कर दिया, उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेशन किया, एब्रप्टनेस प्लस कम्युनिकेशन, उसने क्या किया, उसने लोकेशन को खड़े खड़े ही समझाना चालू किया, डॉक्टर साहब ये देखो मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ पेन होता है, ऐसे ऐसे दर्द होता है, उसने क्या किया, उसने वेल कम्युनिकेट करते ही खड़े खड़े उसने कम्युनिकेशन के जरिए मुझे अपने लोकेशन को उसने बता दिया कि मुझे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दर्द होता है।
तो हमने दो रूब्रिक यहीं सोच लिए उसी टाइम, खड़े होते ही पेशेंट के इस बिहेवियर से ही हमें दो रूब्रिक मिल गए, एक तो कम्युनिकेटिव प्लस एब्रप्टनेस, ठीक है। देन हम आगे केस में बढ़े, उसने क्या बोला, उसने बोला कि बताते 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 क्या हुआ कि वो पेशेंट बोला कि इतने साल से तकलीफ है डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर दिखा दिया हूँ, सब कुछ करा लिया हूँ, सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ऐसा लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, एंड बताते बताते रोने लगी। तो ये क्या है, वीपिंग पेन विद द, मतलब इतनी तकलीफ है उसको, इतने डॉक्टर को दिखा दिया फिर भी वो दर्द नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया, उसको चुभ गया ना, वो सब उसके चुभ रही है, इतने सारी मेडिसिन करने के बाद, इतने सारे डॉक्टर देने के बाद वो उसको पेन जनरेट कर रहा है, वो उसको पेन कर रहा है मेंटली भी और फिजिकली, तो पेन है ही उसको, बट मेंटली जो उसको पेन हुआ उससे वो क्या हो गया, पेशेंट रोने लगे। तो ये क्या हो गया, वीपिंग पेन विद द, उसको लगता है कि ये ठीक भी होगा कि नहीं, एक डाउटफुल क्रिएट हो गया ना, आप इतनी सारी एक्टिविटी करते हो, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाते हो, रिपोर्ट्स सब कर लिया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, तो आपको क्या होता है, एक डाउटफुल रिकवरी आ जाती है उसके। तो ये पेशेंट के मन में क्या है, डॉक्टर अब तो ऐसा लगता है कि ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा हो गया मन में कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दिस इज़ डाउटफुल रिकवरी, ठीक है। तो डाउटफुल रिकवरी के साथ पेशेंट मन में उसके एक डाउट क्रिएट हो गया कि ये रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने ये रूब्रिक उस समय चार रूब्रिक अप्लाई किए, द मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक जहाँ से केस पूरा ओपन हो गया, ये आप ये देखिए, ऐसे मैंने चार केसेस में ये रूब्रिक बहुत ब्यूटीफुली अप्लाई किए हैं। मैंने उसको पूछा कि आपको जब दर्द होता है, घबराहट होती है, उस समय आप क्या सोचते हो, उस समय आपके मन में क्या चलता रहता है, क्या विचार आता है, क्या कैसे मैनेज करते हो, आप पेशेंट को पूछिए दर्द के समय में आप क्या सोचते हो, दर्द के समय में आप क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो, तो ये क्वेश्चन ही आपको लीड करता है मेडिसिन की तरफ। तो पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि मैं तो अब गई, मैं तो अब मर जाऊंगी, मैं तो मरने वाली हूँ, बस कोई आके मुझे बचा ले, मुझे कोई तो इस दर्द से निकाल ले, कोई तो आके मुझे बचा ले, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना दर्द, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट महसूस होती हो, घबराहट की वजह से ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी या फिर मैं मरने वाली हूँ, ठीक है, और कोई तो भी आके मुझे इस दर्द से निकाल ले या मुझे बचा ले। सो ये क्या है, ये डिसीजन डाई अबाउट टू डाई वन वॉज, ठीक है, एंड विशेस सम वन वुड हेल्प हर ऑफ, बहुत ब्यूटीफुली रूब्रिक है, पेशेंट ने डिक्टो यही वर्ड यूज़ किया है, और ऐसे पेशेंट आके आपके सामने यूज़ करते हैं, पेशेंट को घबराहट बेचैनी में ऐसा लगता है कि अब तो वो जाने वाला है, बस उसकी इच्छा होती है कोई तो आके उसको बचा ले, उसको इससे निकाल ले, तो ये रूब्रिक आप सोचिए, ऐसे वर्जन पेशेंट बोलते हैं, डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई वन वॉस एंड विश, उसकी इच्छा है सम वन वुड हेल्प हर ऑफ, कोई उसे हेल्प करे, कोई उसे बचा ले, कोई उसे निकाल ले इस तकलीफ से, ठीक है। तो ये रूब्रिक में सिंगल लेकेसिस है, आप देखेंगे सिंगल लेकेसिस मेडिसिन है, एंड पेशेंट ने क्या बोला, मैं बहुत आशा लेके डॉक्टर साहब, बहुत आशा लेके मैं आपके पास आई हूँ, उन्होंने बताया एक उम्मीद, एक होप के साथ वो मेरे पास आई है, एक जगह तो होप दिखाया और एक जगह उसके मन में जो इतनी सारी फाइल जमा करने के बाद एक डाउट क्रिएट हो गया था, उसको एक रे ऑफ होप मिली, एक पेशेंट से एक रे ऑफ होप मिली, उस उम्मीद से वो मेरे पास आई। तो डाउटफुल रिकवरी के साथ उसको एक होप था जिसने उस पेशेंट ने दिया, और उसकी वजह से वो मेरे पास दवा लेने आई, तो होपफुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, जो मैंने रूब्रिक्स आपको, ये जो सिंगल मेडिसिन रूब्रिक जो जहाँ से केस पूरा ओपन हो जाता है, जहाँ से हमें लेकेसिस की फील क्लियर हो जाती है, तो ये होता है डिसीजन डाई अबाउट टू डाई वन वॉस एंड विशेस सम वन वुड हेल्प हर ऑफ, ठीक है, एंड डेथ प्रेजेंटिमेंट। तो ये सारे रूब्रिक्स लगा के मैंने लेकेसिस 200 देने के बाद उसकी 4-5 सालों की तकलीफ, जो इतने सालों से वो उसका चल रहा था पेट का दर्द, ठीक है, तो और कॉन्स्टिपेशन, वो टोटली उसके बाद क्लियर हो गया, रिपीटेशन की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बीच में ऑन ऑफ उसे सिर्फ वो मुझे बार बार कॉल करती थी, क्योंकि पैनिक इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, मुझे आज ये हो रहा है, कभी उसको थोड़ा फीवर आ गया था, कभी थोड़ा उसको बॉडी में पेन होने लगा था, मैंने उसको बोला कि आप वेट कीजिए, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो ये 6 या 7 महीने में एक केस टोटली क्योर हो गई और वो पेशेंट पूरा बेटर हो गया, ठीक है, ये रूब्रिक्स के आधार पे, ये लेकेसिस के आधार पे। तो हमें पेशेंट की मेंटेलिटी को समझना है, पेशेंट आते ही आपको केस देना चालू कर देता है, हमें सिर्फ देखते रहना है कि पेशेंट करता क्या है, पेशेंट कैसे करता है, क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमेशा अपनी आइज़ ओपन रखनी है, पेशेंट के हर एक बिहेवियर, हर एक गेस्चर को प्रॉपरली नोट करना है कि वो करता क्या है, वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, डिजीज स्टेट में क्या करता है, हमें सिर्फ वही लेना है, हमें प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट पे पूरा फोकस रखना है कि पेशेंट क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। आपको रूब्रिक्स आराम से इजिली सिंपल वे में पेशेंट अगर बताएगा तो आपको रूब्रिक्स आराम से केसेस में लगना आपको केसेस में मिल जाएंगे, और आप रूब्रिक्स के रूब्रिक जोड़ जोड़ के आप एक मेडिसिन तक, एक फील तक पहुँच सकते हो,
सो ये केस लैकेसिस देने के बाद ठीक हो गई। थैंक यू।